हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। अच्छा, जो लास्ट आपका लेक्चर था उसमें हमने वेक्टर एडिशन की बात की थी और उसमें हम बात कर रहे थे ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी तरह से ना। आज से हम जो बात करेंगे दैट वुड बी द वेक्टर एडिशन लेकिन अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल मेथड। मतलब आज के लेक्चर में बाकायदा तौर पे कैलकुलेशन होगी, चीज़ों को हम मैनिपुलेट करेंगे मैथमेटिकली एज वेल। तो आई एग्जैक्टली मीन टू से एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन। आप थोड़ा कल का लेक्चर अगर देखें तो वहाँ पे आपको एक बात बताई गई थी कि एनालिटिकली वी आर यूजिंग टू काइंड ऑफ लॉस, एक होता है लॉ ऑफ कोसाइन और एक होता है लॉ ऑफ साइन। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करो तो आप बात कर रहे थे लॉ ऑफ कोसाइन की। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो हम जाते थे लॉ ऑफ साइन, इस तरह से। आज हम आएंगे लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन में, लेकिन सबसे पहले साइन में मतलब साइन थीटा, कोसाइन मतलब कॉस थीटा। इनके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो कि बगैर कैलकुलेटर के आपको याद करने पड़ेंगे। एंट्री डेट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना, तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं कुछ, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप इनको सही तौर पर देख लें फिर मैं आगे बढ़ूँ। नोट करना चाहें तो आप ये नोट कर लें, ये सारा टेबल आप सही तौर पे देख लें, एक मिनट। ओके, तो इन स्टैंडर्ड वैल्यू के मुताबिक हम चलेंगे, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू हैं इनके मुताबिक चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन की। अच्छा, कोसाइन वाला लॉ मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं फॉर टू वेक्टर ए एंड बी, ए और बी को यूं ऐड करें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये वो सारा कुछ, ठीक है ना, ये हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बाकायदा तौर पे कैलकुलेशंस होंगी, यहाँ पे बाकायदा तौर पे हम एप्लीकेशंस की भी बातें करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे। अब इस कोसाइन वाले लॉ में काफ़ी सारे एमसीक्यूज, काफ़ी सारी बातें होंगी। ए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, टू इंटू ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी देयर मैग्नीट्यूड एज वेल, कोसाइन थीटा। अच्छा बाबा, ये एंगल जो कॉस थीटा है ना, ये दो वेक्टर के बीच में एंगल है जिन वेक्टर की अभी आप बात कर रहे हैं। तो डू रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल नहीं है, ये आप कह सकते हैं ए और बी के बीच में एंगल है। अब इसमें कुछ केसेस हैं, आप इन केसेस को थोड़ा पहले देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। केसेस से मुराद ये है, ज़रा ये देखें। मिसाल की तौर पे अगर ये कहा जाए कि अगर हम थीटा जीरो डिग्री रखें, आपको याद होना चाहिए लास्ट लेक्चर्स में कि भाई जीरो डिग्री का मतलब ये होता है कि वेक्टर्स आर पैरेलल। दूसरी माने में आप कह दें कि पैरेलल वेक्टर अगर हों तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, पैरेलल वेक्टर के हिसाब से आपका लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा, तो ज़रा देखें, आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या बनेगा। अच्छा, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रूफ करके बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर वही रखना आपने, ओके, बी स्क्वायर वही रखना आपने, टू ए बी आपने वही रखना। अच्छा, कॉस जीरो रखना है, तो ज़रा देखें, ए स्क्वायर आपका वही, बी स्क्वायर आपका वही, टू इंटू ए बी आपका वही, कॉस जीरो वन है ना, अकॉर्डिंग टू जनरल टेबल वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। अब इसको आप यूं लिख सकते हैं, मैट्रिक में जो सिंपल मैथमेटिक आपने पढ़ी है क्या उस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। तो फिर स्क्वायर रेडिकल कैंसिल होगा, आप कह सकते हैं ए प्लस बी सिंपल हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एडिशन आप डायरेक्ट करें। इसका मतलब ये कि जब वेक्टर पैरेलल हों तो उन वेक्टर की एडिशन आप डायरेक्ट करें, अल्जेब्रिकली करें, जैसा कि स्केलर में होता है 2 + 3 = 5। तो पैरेलल वेक्टर में ये साबित हो गया कि आप यहाँ पे आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो इसका एप्लीकेशन मैं बता दूँ ताकि ये और भी थोड़ा क्लियर हो जाए। मिसाल की तौर पे एक सरफेस है, इस पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है वगैरह जो भी है ना। अच्छा, हम इस जगह पे या यहाँ से 10 न्यूटन का धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उसी डायरेक्शन में हम 2 न्यूटन का और भी लगा देते हैं। भला हमें ये बताएं कि भाई इस मास के ऊपर टोटल कितना फोर्स होगा। बड़ी सादी सी बात है, 10 और 2 = 12, 10 + 2 = 12। इसका मतलब यूँ हुआ, आप लॉ ऑफ कोसाइन को साइड में रख कर ये बता सकते थे कि सर बात बड़ी सादी है, 10 + 2 = 12 फोर्स होगा, बात खत्म। ये थोड़ी हम बात करेंगे कि एंगल वेंगल ये वो, आप ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं।
अब ये हम प्रूव भी कर बैठे यहाँ पे कि आप डायरेक्ट करें ए प्लस बी टेन प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेल्व, डायरेक्ट करें, क्यों? वेक्टर पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर जब भी होना तो ये लाफ कोसाइन बता रहा है आपको कि आप उनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? मैंने प्रूफ इसलिए किया क्योंकि बाकी मैं प्रूफ नहीं करूँगा, उसका रेफरेंस देकर हम आगे चलेंगे। ठीक बाबा। अच्छा, केस नंबर टू, इसी को आगे कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं हम। फॉर एग्जांपल केस नंबर टू, टू में क्या है कि एक और एंगल ले लेता हूँ बड़ा, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 मतलब एक वेक्टर अगर यूं है तो दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में, यह वाला इस तरह से यूं समझ लो, दे आर एक्टिंग एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट वेक्टर भी आप इनको कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स दीज आर से टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर एज वेल। अच्छा, कोसाइन वाला ला क्या कहता है कि भाई इनके रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ए प्लस बी का, वो अब कोसाइन वाले ला के मुताबिक रखें। आप थोड़ा इधर देखेंगे, जो आपने कोसाइन वाला ला किया है तो यहाँ पे आएगा कॉस 180, कॉस 180 अपना कितना होता है माइनस 1, तो माइनस इन टू प्लस आएगा माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर किसके होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर और रेडिकल आपस में कैंसिल होंगे, आपका ए माइनस बी होगा, मतलब इस फार्मूला के जो प्रूफ आपने किया प्लस के लिए उसमें माइनस के लिए भी यूँ कह सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये रहा वही कि एक तरफ आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और अपोजिट डायरेक्शन में आपने 10 न्यूटन का लगाया, भला इस मास के ऊपर रिजल्टेंट कितना बनेगा? क्या बोलेंगे कि बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस कर लो, या 10-2 प्रोड्यूसेस 8 न्यूटन, या ए माइनस बी सिंपल अल्जेब्रिकली कर लो, कहाँ गया आपका लाफ कोसाइन? ये भी आपको लाफ कोसाइन ही सजेस्ट कर रहा है बाबा। इट मीन्स इफ वेक्टर्स आर पैरेलल देन इन अकॉर्डेंस विथ लाफ कोसाइन वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर वुड बी ए माइनस बी। तो एंटी पैरेलल वेक्टर को आप यूं कर सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड केसेस के हिसाब से मैं बात करूंगा, नॉट ऑल द टाइम। अब हम आते हैं केस नंबर 3 में। मिसाल की तौर पे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री में वेक्टर कौन से कहे जाते हैं? द वेक्टर्स आर से टू बी परपेंडिकुलर, वेक्टर कौन से कहे जाते हैं? परपेंडिकुलर कहे जाते हैं। अब कोसाइन वाले लॉ में हम चलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा हम यही बात करना चाहते हैं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा हमें ये चाहिए। अब ज़रा इधर देखें, लाफ कोसाइन का जो फार्मूला आपने देखा इसको दोबारा देखें बाबा। यहाँ पे होगा 2ab cos 90, और cos 90 जो टेबल मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसमें cos 90 आपका क्या है? 0 है, मतलब 2 into ab into 0, मतलब 2ab वाला फैक्टर बचेगा ही नहीं, खाली बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रेडिकल में कैंसिल थोड़ी होगा, इसका मतलब यूँ हुआ कि अगर वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो कोसाइन वाला लॉ ये बता रहा है कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूँ करो। और इनका एग्जांपल हो जाए, बड़ी सादी सी बात है, इधर देखें ज़रा, एक वेक्टर है इस तरह से वेक्टर ए, एक और वेक्टर है इस तरह से, ऐसे समझें वेक्टर बी, रिजल्टेंट ये बनेगा, रिजल्टेंट ये बनेगा, ग्राफिकल मेथड कह रहे हैं। भला बात सुनो, दूसरी माने में हमें एक ट्रायंगल मिल गया ना, और इस ट्रायंगल में आप कह सकते हैं बेस भी मौजूद है, आपका परपेंडिकुलर भी मौजूद है। व्हेन बेस एंड परपेंडिकुलर आर गिवन कैन यू गो थ्रू द मेजरमेंट ऑफ हाइपोटेन्यूस? यस वी कैन इजीली, इट मीन्स बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम आप कर सकते हैं ना। और यहाँ कोसाइन वाला ला भी यही तो कह रहा है कि भाई पैथागोरस की कंडीशन के मुताबिक है एग्जैक्टली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पैथागोरस की तरह है ना, उसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि आप परपेंडिकुलर के केस में पैथागोरस थ्योरम की तरह कर सकते हैं। ये बात आपको कौन कह रहा है? आपका लाफ कोसाइन ही बता रहा है आपको, ठीक है। चलो ये हो गया। अब केस नंबर 4 जो है ना, इसमें स्पेशली मैं बात करूँगा इस हिसाब से कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए is equal to magnitude of vector b, इसका मतलब यूँ हुआ कि मैं बात करना चाह रहा हूँ उन वेक्टर की जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, मतलब आई एम डीलिंग राइट नाउ इक्वल वेक्टर,
अब इक्वल वेक्टर में ये सारे केस या वैसे भी हम किस तरह से बात करेंगे, जरा इसको देख लेते हैं। अच्छा सर देखें, दो वेक्टर आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, पर एंगल भले उनकी कोई भी हो। मसलन हम कहते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 degree तो रिजल्टेंट क्या होगा? सुने जरा, आपके सामने है पैरेलल वेक्टर हो गए ना, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रखें इसका मतलब है वेक्टर आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट ऐड करो, मतलब एक टेन है दूसरा भी टेन है, पैरेलल हैं, डायरेक्ट ऐड करो। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं ना, अभी हमने पढ़ा। तो यूं आप कह सकते हैं आपका जवाब या रिजल्टेंट ए प्लस ए मतलब 2a या b प्लस बी मतलब 2b। दूसरी माने में आप कह सकते हैं आइधर 2a और 2b, या फिर आप कह सकते हैं 2b। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ आइधर, देन व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? ये सवाल आ चुका है, दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा, जरा देखें। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ आइधर वेक्टर, देन व्हाट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर? 0 degree। मतलब वो कौन सी एंगल है जब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी भी एक वेक्टर का या ए का या बी का ट्वाइस होता है? भाई वो हम कहते हैं जब थीटा इज इक्वल टू 0 degree होती है। आप यूं कह सकते हैं, चलो इसमें और, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, दो वेक्टर इक्वल हैं, 180 के एंगल बना रहे हैं, 10 इधर 10 इधर आपस में कैंसिल हो गए ना, तो यूं आप कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर लाजमी तौर पे क्या हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा। फॉर व्हाट एंगल, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर द रिजल्टेंट वैनिश, उनका रिजल्टेंट खत्म हो जाता है, तो हम बात करेंगे दैट वुड बी 180। आई बात समझ में? अच्छा इसी तरह से इफ थीटा इज इक्वल टू 90 degree तो क्या होगा? इधर देखें बेटा, इधर 90 में जाए ना तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a square, फिर ए स्क्वायर का रेडिकल कैंसिल होगा, पर 2 का तो कैंसिल नहीं होगा ना। दूसरी माने में हम कह सकते हैं 90 डिग्री में इस सवाल के मुताबिक इस केस को अगर फॉलो करें तो हम ये बात कर सकते हैं द रिजल्टेंट वेक्टर वुड बी इक्वल टू आइधर 2a और रेडिकल 2 इंटू बी। एट वॉट एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बिकम्स रेडिकल 2 टाइम्स ऑफ आइधर, तो आप यूं कह सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा एक और बात, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 degree तो क्या होगा? अब सर 60 में तो आपने कोई केस पढ़ाया ही नहीं है, तो उधर देखें, हम आते हैं वापस लॉ ऑफ कोसाइन में, ए भी ए है बी भी ए है, 2a इन 2a, क्योंकि ए और बी बराबर जो है ना cos 60 1/2 है, 2 और 2 कैंसिल होगा, a square plus a into a square, 3a square बने, a square का रेडिकल कैंसिल होगा, 3 का तो बचेगा, इसका मतलब यूं हुआ कि रेडिकल 3 टाइम होगा, रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू रेडिकल 3 इंटू ए और रेडिकल 3 इंटू बी। अच्छा इसी तरह से एक और केस है कि इफ एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज 120 अगर आप एंगल बना दें, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आइदर ए या बी, ठीक है ना। अच्छा मैं इस चीज को थोड़ा और यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे क्या है, द रिजल्टेंट इज ट्वाइस ऑफ आइधर, ये हुआ ना। अच्छा इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, द रिजल्टेंट बिकम 0। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो रिजल्टेंट है द रिजल्टेंट बिकम रेडिकल 2 टाइम ऑफ आइधर, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अच्छा इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, द रिजल्टेंट बिकम्स रेडिकल 3 टाइम ऑफ आइधर। और आखिर जो मैंने ये वाला केस किया ना लास्ट में, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं,
कि भाई जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू आइदर। ये मैंने रेड में जो भी लिखे हैं ना, ये सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। सवाल ये होगा कि एट व्हाट एंगल द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ आइदर, मतलब ये बात कर रहा है। एट व्हाट एंगल रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बिकम्स इक्वल टू आइदर वेक्टर, ये बात करना चाह रहा है। At what angle resultant of two vector becomes radical three times of either? तो ये बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो law of cosine आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप magnitude of resultant vector किस तरह से मालूम करना चाहें। ये MCQs ही हो गए जो मैंने इन cases में आपको पढ़ा दिए। अब सर अगर सवाल जिसमें ये बातें ना की गई हों, apart from that, मिसाल के तौर पे 35 degree दे दे, 50 degree दे दे, या आप कह सकते हैं 110 ये डिग्री दे दे, तो हम क्या करेंगे? देखें वो स्टैंडर्ड केसेस नहीं हैं, तो इस तरह का सवाल मुमकिन बहरहाल नहीं है ना। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। कैलकुलेटर से हम कर लेंगे। अब चूंकि कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है एंट्री टेस्ट में, तो फिर आपको इन स्टैंडर्ड एंगल पे रिलाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कोसाइन हिसाब से ना। एक MCQs हम करते हैं और फिर इसको आगे हम बढ़ाते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन में, एक मिनट, लॉ ऑफ कोसाइन में आप a प्लस बी मतलब रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं अगर a गिवन है, b गिवन है और थीटा गिवन है। पर बाज़ दफ़ा पता क्या होता है, a और b देता है, रिजल्टेंट भी देता है, आपको थीटा नहीं देता। मतलब व्हाट वुड बी एंगल बिटवीन द वेक्टर, आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा इधर आऊंगा, आप इसको प्लीज देखेंगे। ठीक है, इधर एक मिनट, आप इसको देख सकते हैं। इस फार्मूला से हम एंगल बिटवीन द वेक्टर बना सकते हैं। इस फार्मूला से एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन हम बना सकते हैं। अभी हम किस तरह से बनाएंगे, आप इसी फार्मूला को जरा देखते जाओ। अच्छा, मैंने उसी लॉ ऑफ कोसाइन के इक्वेशन को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना, तो यहाँ पे होगा आर स्क्वायर, जो रेडिकल है लॉ ऑफ कोसाइन वाला वो खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कॉस थीटा। यूं बना, ये कुछ जो भी है यहाँ ले आए, तो होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी इंटू कॉस थीटा। चाहिए क्या आपको? थीटा चाहिए ना। ये टू ए बी यहाँ ले आए तो कॉस थीटा हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ऐसा होगा। अगर आप थीटा के लिए जाएं तो थीटा कैन बी इक्वल टू कॉस इनवर्स, बाकी आर स्क्वायर वही आपका, ए स्क्वायर आपका वही है, बी स्क्वायर आपका वही है, 2ab आपका वही। ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे? टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन द वेक्टर यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, ये फार्मूला। अगर ये नहीं याद करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप स्टैंडर्ड लॉ ऑफ कोसाइन याद कर लें फिर आप कर सकते हैं डायरेक्टली। लाजमी नहीं है कि ये फार्मूला इतना बड़ा याद करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वो तो याद है ना, या वो भी नहीं, तो उसी को यूज़ कर लेना। ये तो मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। प्रॉब्लम है, डोंट गो थ्रू, यू जस्ट गो थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ कोसाइन। अंडरस्टैंड बेटा? चलो, इसका एमसीक्यूज किस तरह से आ सकता है? एक एमसीक्यूज हो जाए, मिसाल के तौर पे अ वेक्टर इज ट्वाइस टू अनदर। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छी तौर पे पढ़ेंगे। एक वेक्टर है जो दूसरे का डबल है, मिसाल के तौर पे एक ए है दूसरा बी है, तो एक जो वेक्टर है वो दूसरे का ट्वाइस है। एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू द लार्जर वेक्टर, देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये क्या बनेगी? अब इसमें कुछ ऑप्शंस में लिखने जाऊंगा, आप इन ऑप्शन को थोड़ा देखेंगे। ऑप्शन ए आप जब तक कर लें, लेट मी डिफाइन द ऑप्शन।
ठीक है, ये ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना बड़ा अहम होता है। अ वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ अनदर, पता है इसका मतलब क्या? मसलन एक वेक्टर ए है, दूसरा बी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू टू बी। कैन यू प्लीज टेल मी, ए इज इक्वल टू टू बी जो मैंने लिखा, इसमें बड़ा कौन सा, ए बड़ा कि बी बड़ा? ए बड़ा ना, क्योंकि अगर मैं बी की वैल्यू टू रखूं तो टू इंटू टू ए बनेगा फोर, अगर मैं बी की जगह टेन रखूं तो टू इंटू टेन इज इक्वल टू ए, मतलब ए बनेगा ट्वेंटी, ए बड़ा है ना, आई बात समझ में? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। रिजल्टेंट इज इक्वल टू द लार्जर वेक्टर, भला ए बड़ा के बी, ए बड़ा, तो रिजल्टेंट किसके बराबर है? बड़े वाले के बराबर है। बड़ा वाला कौन सा? ए, और वो ए किसके बराबर है? टू बी के बराबर है। तो क्या करना है? एंगल बता दें क्या होगी, लाफ को सही लगेगा, बड़ी सादी सी बात है, या फिर आप ये लगा ले मना। अच्छा आप यहाँ पे आ जाए, थीटा का जनरल फार्मूला क्या है? कॉस इनवर्स, चलो ठीक है, आर स्क्वायर, भला आर बराबर किसके बाबा? टू बी है ना, चलो ठीक है, टू बी के बराबर है, होल स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर है? टू बी के बराबर है, ये रहा होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, अब बी तो बी रहने दो, सारे वैल्यू बी में लिखते हैं, बी खुद एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय टू इंटू ए, ए किसके बराबर है? टू बी के, इंटू बी एज इट इज रही। अब इसको सॉल्व करना है, बड़ा सादा, ये आपस में वैसे भी कटेंगे, न्यूमरेटर में खाली क्या बचेगा? माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ऐसे ना, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? टू टू ज़ार फोर, फोर बी स्क्वायर बचेगा। अब ये बी स्क्वायर कैंसिल कर दें, इनको उड़ा दें, तो कॉस इनवर्स बनेगा माइनस वन अपॉन फोर। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो यहाँ तक हम छोड़ देंगे, बात खत्म। और ऑप्शन को देखें तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें इस तरह की कहानी है? आप देखें सर ऑप्शन को, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो देखें बाबा, यहाँ पे जब हम वेक्टर के हिसाब से बात करते हैं, लाफ कोसाइन के हिसाब से बात करते हैं, तो उसमें से थीटा भी मालूम किया जा सकता है। दैट इज द बेसिक सिंपल लॉजिक राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। एक और बात, क्या कि एक लफ्ज हम चेंज करते थे ना, ये लार्जर जो लिखा है आपको दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे एंट्री वाले ने आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया या जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है लार्जर लिखा था, एंट्री वाला क्या कह रहा है, ऑप्शन भी उसने चेंज किए श्योरली, पर ये कि उसने एक यहाँ पे एक लफ्ज लिख दिया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्मॉलर वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्मॉलर वेक्टर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किस तरह से मालूम करेंगे या किस तरह से ये बात होगी फिर? तो अच्छा, स्मॉलर वेक्टर के हिसाब से मतलब ए इज इक्वल टू टू बी वही रखना है अपने, सिर्फ आर इज इक्वल टू बी रखना है खाली, मतलब आर की जगह बी रखना, टू बी सेम है, ये भी सेम है, फिर ये बी कैंसिल होगा, खाली टू बी बचेगा, और फिर आप इस तरह से आप सॉल्व करते जाएं, फिर देखें आपकी एंगल कितनी बनती है, आप कर सकते हैं मजे से, आई बात समझ में? तो स्मॉलर के लिए अगर करें ना, तो एक लफ्ज से ही आपका जो है ना वो हो जाए, क्योंकि कंडीशन फिर चेंज होगी, स्मॉलर में क्या कंडीशन होगी, ए इज इक्वल टू टू बी, मतलब वेक्टर ए इज ट्वाइस ऑफ अनदर, रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्मॉलर, रिजल्टेंट इज इक्वल टू बी, और यूं आप ये करेंगे, फिर देखते हैं कि जवाब आपका क्या बनेगा। आप एक मिनट ये कर सकते हैं, एक मिनट लगेगा, हम ये वाला करके देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये दूसरा एम सी क्यूज है इसी सीरीज का, मतलब इसी का ना। अच्छा भाई देखें, कॉस इनवर्स फार्मूला के मुताबिक आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, ओके, आपका यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज है ना, क्योंकि आपने रिजल्टेंट की जगह ये रखा, माइनस ए स्क्वायर आपका, ये रहा भाई आपका ए स्क्वायर, वही रहा आपका। अच्छा माइनस बी, बी किसके बराबर है? आप कह सकते हैं खाली बी के बराबर है, डिवाइडेड बाय टू, ए आपका वही रहा और बी आपका वही भी रहा, ये हो जाएंगे आपस के कैंसिल। न्यूमरेटर में क्या बचेगा बाबा? न्यूमरेटर में बचेगा बी स्क्वायर अपॉन टू,
यहाँ पे क्या बचेगा, ए की जगह क्या रखेंगे, टू बी, टू बी रखें, फिर आप बी इंटू बी करें, फिर आप देखें क्या बनता है इस तरह का, फिर आप इस तरह से सॉल्व कर लें। जो भी आपका यहाँ पे जवाब आए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये आप खुद कर लेना इस तरह से। तो देखें ना, एक लफ्ज़ जो है ना उससे सारी कहानी मट गई, एक लफ्ज़ से। तो ये है कि यू नीड टू गो थ्रो कि रिजल्टेंट आपका किसके बराबर है, ए के बराबर है या बी के बराबर है। यहाँ पे बी के बराबर है ना, तो यहाँ पे आप बी लिखते, ठीक है, बी आपका भले कैंसिल होगा और ए की जगह आप इसकी वैल्यू लिखेंगे फिर, और यूँ आप इसको सॉल्व करें। आप ये कर लेना खुद, ये जो भी आपका जवाब आए। ओके, इसका जवाब आएगा, मैं आपको बता दूँ थोड़ा इस तरह से, दैट वुड बी कॉस इनवर्स और दैट वुड बी वन अपन टू, मतलब इस तरह से आएगा, कॉस इनवर्स माइनस वन अपन टू, या आप कर लेना इसमें से। अब ये कि कोसाइन वाला लॉ इस्तेमाल होता है किस हिसाब से, टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। नॉट ओनली दैट, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन द वैक्टर्स एज वेल। दो वैक्टर के बीच में जो एंगल है ना, वो भी हम किस तरह से मालूम करेंगे, आप यहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, बोर्ड को नोट कर लें, थोड़ा हम आगे बढ़ लें।